हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th और एक्सरसाइज है हमारी 4.1। क्वेश्चन 1 to 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखते हैं हमारे पास क्या है। पीएमआई के बारे में पढ़ेंगे आज हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द पीएमआई प्रिंसिपल। क्या है हमारे पास पीएमआई की फुल फॉर्म क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन क्या है, 1/1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4, ऐसे ही अप टू 1/n × n + 1 × n + 2 किसके इक्वल प्रूव करना है, n × n + 3/4 × n + 1 n + 2 इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे हम देखो, लेट Pn इज इक्वल टू, जो भी हमें दिया हुआ है उसको Pn के इक्वल लेके चलेंगे। Pn इज इक्वल टू है 1/1 × 2 × 3 up to एज इट इज, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान देंगे। फिर हम पुट करेंगे n = 1 अप्लाई किया इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, 1/n की जगह 1 + 1 और 1 + 2 इज इक्वल टू, इधर 1 पुट करेंगे 1 + 3 और नीचे 4 है 1 + 1 और 1 + 2 क्या आ जाएगा, 1/1 × 1 = 2 और 3 इधर क्या आ जाएगा, 1 और 3 और 1 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 2 3 सेम आ जाएगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा विच इज़ ट्रू। फिर एज्यूम दैट, मान के चलेंगे पी के इज़ ट्रू, हमने ये मान लिया कि पी के लिए भी फंक्शन ट्रू है। सो एन की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, के। पी के इज इक्वल टू 1/1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 प्लस अप टू 1/k × k + 1 × k + 2 इज इक्वल टू k + 3/4 k + 1 × k + 2 इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। फिर हम क्या प्रूव करेंगे, ये तो हमने मान के चले हैं कि पी के हमारे पास ट्रू है, तब हमें प्रूव क्या करना है कि पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ए ट्रू। अब हम प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए, जहाँ हमारे पास k है उसको रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 में। सबसे पहले तो जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है वहाँ तक रखा हमने एज इट इज़, फिर एक टर्म हम नेक्स्ट चेंज बढ़ा देंगे क्या, 1/k को क्या कर देंगे k प्लस 1 का k + 2 हो जाएगा और k + 2 का क्या हो जाएगा k + 3 इज इक्वल टू k + 1 हो जाएगा, ये k + 4 एज इट इज़, 1 का 2 आ जाएगा, 2 का 3 एक बढ़ा दिया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसको प्रूव करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड ये है आपकी, इसके लिए हमने किया यूजिंग सेकंड हमारे पास कैसे यूज़ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारे पास इक्वेशन है वो एज इट इज़ सेकंड इक्वेशन है, तो इस पूरे की जगह हम ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, k + 3 × 4 k + 1 × k + 2 प्लस एक टर्म हमारे पास ये भी बच गई, प्लस में ये लिख देंगे 1/k + 1 k + 2 k + 3। अब एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ जाएगा, k + 4 आ जाएगा, k + 1 k + 2 और k + 3 4 से 4 k + 1 k + 2 और k + 3 की और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी k एज इट इज़, k + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे तीनों के तीनों, 4 × 1 = 4 ओपन करेंगे k एज इट इज़, k + 3 का स्क्वायर क्या होगा, k² + 9 + 6k a² + b² + 2ab और प्लस 4 एज इट इज़, k के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे k³ और k² और 9 की 9k हो जाएगी और 6k² + 4 एज इट इज़, नीचे की टर्म एज इट इज़ है। फिर हम ऊपर जो हमारे पास है इसको ओपन करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करके हम फैक्टर बनाएंगे इसके, कैसे देखो हमारे पास क्या है, k³ + 6k² + 9k + 4 इसको हमने ब्रेक कर लिया, डिवाइडेड बाई में है, इसको हमने ब्रेक कर लिया, k³ को एज इट इज लिया, 6k² को ब्रेक कर लिया 2k² + 4k² 9k को ब्रेक कर लिया k और 8 की और 4 एज इट इज़। अब देखो इन तीनों में से आगे जो हमारे पास तीन टर्म्स हैं इनमें से k कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा k² + 2k + 1 प्लस इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे k² + 2k + 1 आ जाएगा। अब दोनों में सेम टर्म हो जाएगी तो दोनों में से कॉमन आ जाएगी और क्या बचेगा अंदर, यहाँ k बचेगा और ये प्लस 4 k + 4 हो गई, ये आ गई नीचे एज इट इज रहेगी k² + 2k + 1 इसको क्या लिख सकते हैं k + 1 का होल स्केयर और k + 4 k + 1 का होल स्केयर नीचे 1 है तो इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा k + 1 k + 4 डिवाइडेड बाई 4 × k + 2 k + 3 और यही हमारे पास क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट
ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। पी एन इज इक्वल टू जो हमें दे रखी इक्वेशन, इसको हम पी एन के इक्वल मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर देंगे। फिर एन इज इक्वल टू वन अप्लाई करेंगे, तो एन वन अप्लाई किया तो क्या आया ए आर, और एन की जगह क्या आ जाएगा वन माइनस वन इज इक्वल टू ए एज इट इज आर की वन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसल और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और किसी की भी पावर ए की आर की पावर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास वन, और वन की और ए की मल्टीप्लाई ए, इधर भी क्या है ए, तो क्या बोल देंगे पी वन इज ए ट्रू। अब हम प्रूव करेंगे किसके लिए, के के लिए, लेट पी के बी ट्रू फॉर के। हम मान के चल रहे हैं कि जो पी के है वो ट्रू होगा किसके लिए, के लिए। अब प्रूव करो पी के इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू ए आर की पावर के माइनस वन इज इक्वल टू ए इन टू आर की पावर एन है, अब क्या रखेंगे आर की पावर के माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम अप्लाई करेंगे, जब के हमारे लिए ट्रू है तो के प्लस वन भी ट्रू होगा, इसके लिए प्रूव करके दिखाएंगे वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। के की जगह हमने के प्लस वन कर देंगे, यहाँ तक के टर्म एज इट इज रख लिया, नेक्स्ट टर्म हमने क्या बढ़ा दी ए आर के प्लस वन, के की जगह क्या लिख दिया के प्लस वन और आगे क्या माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू ए आर k की जगह k प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब देखो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े हम, यहाँ तक कि हमारे पास क्या है इक्वेशन सेकंड है, सेकंड इक्वेशन किसके इक्वल है इसके, वैल्यू अप्लाई की a इंटू आर की पावर k माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन प्लस ए आर की पावर k एज इट इज, बाई में वन है एलसीएम ले लिया r माइनस वन। अब एलसीएम ले लिया तो ये तो एज इट इज है, एज इट इज आ जाएगा, ए के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ए आर की पावर के माइनस ए प्लस ए आर की पावर के, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे आर माइनस वन से, इसको हम अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए आर की पावर के माइनस ए प्लस ए आर की पावर के इंटू आर माइनस वन, ये एज इट इज प्लस ए आर के की आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के है यहाँ वन है तो वन पावर ऐड हो जाएगी ए आर के की पावर ए आर की पावर के प्लस वन माइनस ए आर के, ए आर के से ए आर के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए आर के प्लस वन और माइनस ए दोनों में से ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आर की पावर के प्लस वन और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, और ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर सॉरी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट 1 प्लस 3 बाई 1 इंटू 1 प्लस 5 बाई 4 इंटू अप टू चलते चलते 1 प्लस 2 एन प्लस 1 बाई एन स्केयर इज इक्वल टू, किसके प्रूव करना है n प्लस 1 का होल स्केयर। देखो जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको n के इक्वल ले लेंगे, लेट पी एन इज इक्वल टू इक्वेशन लिख लिया और इसको नंबर 1 नाम दे दिया, फिर n इज इक्वल टू 1 अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 n की जगह 1 आ जाएगा, 2 बन जा 2 प्लस 1 बाई 1 का स्केयर 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 1 प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2 और 1 3 3 बाई 1 कितना आ जाएगा 3 3 प्लस 1 4 1 1 2 2 का स्केयर 4, तो क्या बोल देंगे पी वन इज ए ट्रू। हमने मान लिया कि जो पी वन है वो क्या है ट्रू, तो एज्यूम कर लेंगे अब मान के चल पड़े कि पी के भी ट्रू, कि जो पी की वैल्यू एन है वो भी हमारे पास ट्रू है, तो एन की जगह हम क्या पुट करेंगे कि 1 प्लस 3 बाई 1 1 प्लस 5 बाई 4 अप टू 1 प्लस 2 के प्लस 1 बाई के स्केयर इज इक्वल टू एन की जगह के रिप्लेस कर दिया के प्लस 1 का होल स्केयर। अब हम प्रूव करेंगे के प्लस 1 के लिए भी फंक्शन कैसा है ट्रू, तो अप्लाई करो वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, एज इट इज रख लिया, इसकी जगह ये जो मैंने बताया था सेकंड टर्म तक एज इट इज आएगा, नेक्स्ट में एक बढ़ा देंगे 1 प्लस 2 और k की जगह k प्लस 1 और प्लस 1 k स्क्वायर था k प्लस 1 का होल इज इक्वल टू k प्लस 1 का क्या हो जाएगा k प्लस 1 इंटू सॉरी प्लस 1 k प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो यूजिंग सेकंड कर दिया हमने, इसकी वैल्यू क्या थी k प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये क्या है, यहाँ से हमारे पास ये 1 प्लस 2 k प्लस 3 बाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगी प्लस 2 के प्लस 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 3 के स्क्वायर 2 के प्लस 2 के 4 के और 3 प्लस 1 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं k प्लस 2 का
होल स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है, हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, up to 1 + 1/n इज इक्वल टू एन प्लस 1। लेट पी एन इज इक्वल टू, एज इट इज रख लिया, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसको पी एन का नाम दे देंगे, एज इट इज रख के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर पुट करेंगे एन इज इक्वल टू 1, 1 + 1/1 इज इक्वल टू, एन की जगह 1 पुट कर दिया, इधर क्या 1 + 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1/1 में 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। फिर क्या बोल देंगे P1 इज ट्रू। अब हम पुट करेंगे n की जगह k पुट कर देंगे, लेट हम मान के चल पड़े कि पी के भी ट्रू है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। पी के इज इक्वल टू 1 + 1/1, 1 + 1/2, up to 1 + 1/k इज इक्वल टू k प्लस 1 आ जाएगा, n की जगह k पुट कर दिया k प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फिर हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी फंक्शन ट्रू है, तो अप्लाई कर दिया पी के प्लस 1, 1 + 1/1, 1 + 1/2, up to 1 + 1/k। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1 + k की जगह k प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा k प्लस 2। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े हम एज इट इज, ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो यूज़ कर लेंगे क्या है, किसके इक्वल है वो k प्लस 1 के इक्वल, मल्टीप्लाई 1 + 1/k + 1, एलसीएम ले लिया हमने k + 1 और 1 की मल्टीप्लाई k + 1 + 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा k + 2, और ये हमारे पास क्या है हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। लेट 1² + 3² + 5² up to 2n - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3। पी एन इज इक्वल टू जो भी हम इक्वेशन दे रखी है पी एन के इक्वल लेके चल पड़े, और पी एन इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन थी, अब पी एन इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 n की जगह 1 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 × 1 - 1, 2 × 1 + 1, 2 × 2 = 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 = 2 में से 1 जाएगा 1 × 2 = 2 और 1 = 3, और डिवाइड में क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 = 1। दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या बोल देंगे कि पी वन के लिए हमारे पास फंक्शन कैसा है ट्रू। वी एज्यूम दैट पी के इज ट्रू, तो फिर हम एज्यूम कर लेंगे कि पी के भी क्या है ट्रू, तो पी के इज इक्वल टू 1² + 3² + 5² up to 2k - 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा k × 2k - 1 × 2k + 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। फिर हम प्रूव करेंगे कि k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, तो रिप्लेस कर दिया जहाँ k था k प्लस 1 का माइनस 1 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू k की जगह k प्लस 1 2 × k + 1 - 1, 2 × k + 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे देखो, डिवाइड में 3 है एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ये है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ कर लेंगे, सेकंड क्या है हमारे पास किसके इक्वल है k × 2k - 1 × 2k + 1/3 प्लस है, अब ये एज इट इज रख देंगे, नेक्स्ट टर्म 2k + 1 का स्क्वायर, एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले ऊपर से कॉमन क्या है 2k + 1 कॉमन ले लेंगे, 2k + 1 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा k × 2k - 1 प्लस एक पावर बाहर चली जाएगी एक अंदर बचेगी 2k + 1 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लिया हमने 3, एज इट इज अंदर मल्टीप्लाई किया 2k² - k प्लस 3 × 2 = 6k + 3 = 3, 2k + 1 2k² और 6 में से 1 घटा देंगे प्लस 5k + 3 डिवाइडेड बाई 3, 2k + 1 इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा k + 1 × 2k + 3 और डिवाइड में क्या है 3, ये हमारे पास क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट 1/1 × 4 + 1/4 × 7 + 1/7 × 10 up to 1/3n - 2 × 3n + 1 इज इक्वल टू n/3n + 1, लेट पी एन इज इक्वल टू जो हम इक्वेशन दे रखी है उसको पी एन के इक्वल ले लेंगे, और पी एन इज इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा पी 1, यहाँ पे 1 बाई
थ्री वन जा थ्री, थ्री में से टू जाएगा, वन बचेगा और थ्री वन जा थ्री और वन फोर इज इक्वल टू वन बाई थ्री वन जा थ्री और वन फोर, वन बाई फोर आ जाएगा। दोनों इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे, पी वन इज ए ट्रू। अब नेक्स्ट हम क्या अप्लाई करेंगे कि लेट इसके इज इक्वल टू के पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू के पुट कर लिया, क्या लिखेंगे हम, लेट पी के बी ट्रू फॉर ए सम इंटीजर के, के अप्लाई कर दिया वन बाई थ्री के माइनस टू, थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू के बाई थ्री के प्लस ए वन। इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देंगे, वी शैल प्रूव दैट। अब हम प्रूव करेंगे कि पी के प्लस वन इज ए ऑल्सो ट्रू, वन बाई वन इंटू फोर प्लस वन बाई फोर इंटू सेवन अप टू वन बाई, ये एज इट इज प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, थ्री इंटू के प्लस वन माइनस टू, थ्री इंटू के प्लस वन प्लस ए वन इज इक्वल टू के की जगह के प्लस वन, थ्री इंटू के प्लस वन प्लस ए वन। अब देखो ये हमारे पास क्या है, यूजिंग कर लेंगे इसके अंदर यूजिंग सेकंड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तक की जो है उसकी वैल्यू क्या है, के बाई थ्री के प्लस वन, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या थी, वन बाई थ्री के और थ्री वन जा थ्री, थ्री में से टू जाएगा प्लस का वन इंटू थ्री के प्लस थ्री वन जा थ्री और वन फोर, ये आ जाएगा। अब इसमें से देखो कॉमन क्या है, थ्री के प्लस वन कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, के बाई वन प्लस वन बाई के थ्री के प्लस फोर, वन बाई थ्री के प्लस वन कॉमन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा थ्री के प्लस फोर, इसकी और के की मल्टीप्लाई प्लस ए वन आ जाएगा, के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री के स्क्वेयर प्लस फोर के प्लस ए वन बाई थ्री के प्लस फोर, अभी आ जाएगा वन बाई थ्री के प्लस वन। इसका अगर हम इसके अगर हम फैक्टर करेंगे क्या आएगा, थ्री के प्लस वन इंटू के प्लस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा के प्लस वन बाई थ्री के प्लस ए फोर, और यही हमारे पास क्या है हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट 1 बाई थ्री इंटू फाइव प्लस वन बाई फाइव इंटू सेवन प्लस वन बाई सेवन इंटू नाइन प्लस अप टू वन बाई टू एन प्लस वन टू एन प्लस ए थ्री इज इक्वल टू एन बाई थ्री इंटू टू एन प्लस ए थ्री, इक्वल ले लिया। अब हम इसको पी एन के इक्वल ले लेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देंगे, फिर पुट करेंगे एन इज इक्वल टू वन, वन बाई टू और एन की जगह वन पुट कर दिया प्लस वन टू एन प्लस ए थ्री इज इक्वल टू वन, एन की जगह वन पुट कर दिया थ्री, टू वन जा टू प्लस थ्री, टू वन जा टू और वन थ्री और टू वन जा टू और थ्री फाइव, थ्री मल्टीप्लाई फाइव आ जाएगा इज इक्वल टू वन बाई थ्री और टू वन जा टू और थ्री फाइव, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे तो क्या बोल देंगे, पी वन इज ट्रू। लेट अज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर के, फिर हम मान के चल पड़े कि जो पी के है वो ट्रू है किसके लिए, के लिए, तो अप्लाई किया वन बाई थ्री इंटू फाइव प्लस वन बाई फाइव इंटू के अप टू वन बाई टू के प्लस वन, वन बाई टू के प्लस थ्री इज इक्वल टू के बाई थ्री इंटू टू के प्लस थ्री, फिर हम अप्लाई करेंगे कि के प्लस वन के लिए भी फंक्शन ट्रू है, अप्लाई कर दिया जहाँ के था उसकी जगह के प्लस वन करेंगे, यहाँ तक हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई, उससे आगे क्या किया टू, के की जगह के प्लस वन प्लस वन टू के प्लस वन प्लस ए थ्री आ जाएगा, और इज इक्वल टू में प्रूव करना है के प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू के प्लस वन प्लस ए थ्री। लेफ्ट हैंड साइड है इसमें कर लेंगे हम, ये एज इट इज ले लेंगे, इसमें यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड का यूज़ हो जाएगा, सेकंड किसके इक्वल थी के बाई थ्री इंटू टू के प्लस थ्री के इक्वल प्लस ए, नेक्स्ट टर्म क्या वन बाई टू के प्लस थ्री इंटू टू के प्लस ए फाइव। अब हमने दोनों में से कॉमन ले लिया वन बाई टू के प्लस थ्री, इधर क्या बचेगा के बाई थ्री प्लस वन बाई टू के प्लस फाइव, ये बार ले लिया। अब देखो एलसीएम आ जाएगा थ्री इंटू टू के प्लस फाइव, मल्टीप्लाई कर देंगे 2k की और प्लस 5 के k से 2k स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 5 के और 3 बन जा प्लस का 3 आ जाएगा। अब ये एज इट इज बार रख लिया, ये हमारे पास आ गया 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टू के प्लस 5, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 3 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एज इट इज, इससे हम ये कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टू के प्लस 5। ये हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 17 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।